हरियर तुलसी के गछिया गमक उठे अंगना न हो सखिया के उठी जलवा चढ़ावे ता भोग वाला गावे न हो सखिया के उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कामदा एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी जो लोग भी करते हैं उन्हें व्रत कब रखनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, पारण के दिन क्या करने हैं, हर प्रकार के संपूर्ण नियम विधि आपके साथ शेयर करूंगी। तो ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कामदा या कामिका एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत रखनी है, सभी को व्रत रखनी है 31 जुलाई को, ठीक है। दिन है बुधवार, बुधवार के दिन हमें व्रत रखनी है। और एकादशी व्रत में 3 दिन का नियम होता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक संपूर्ण नियम विधि किया जाता है। व्रत से अधिक महत्वपूर्ण है नियम विधियों को ध्यान में रखते हुए कार्य हमें करनी है समय के अनुसार। तो 3 दिवसीय व्रत होता है। तो दशमी कब पड़ रहा है, तो मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन हमें सब दशमी वाले नियम करने हैं। लेकिन बाल वगैरह कुछ लोग नहीं धोते हैं मंगलवार को, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मंगलवार के दिन तुलसी पत्र वगैरह मत तोड़िएगा, सोमवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र हमें चाहिए ही, विष्णु भगवान के भोग में डालनी है, और आप जो है एकादशी के दिन जो है नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप लोग सोमवार के दिन तोड़कर रख लीजिएगा, या पहले से सूखी हुई पत्तियां हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन आप जो है तुलसी जी में, देखिए कुछ लोग जैसे जल नहीं देते हैं रविवार मंगलवार के दिन, तो आप लोग लेकिन दीजिएगा। जैसे हमारे घर में 2 दिन हम लोग तुलसी जी में जल नहीं डालते, मंगलवार के दिन भी और रविवार के दिन भी, लेकिन कुछ लोग मंगलवार नहीं बचाते, केवल रविवार बचाते हैं। तो इस बार आप लोग मत बचेगा, क्योंकि एकादशी जो है बुधवार को है, तो बुधवार को हम जल डालेंगे ही नहीं, और मंगलवार के दिन भी नहीं डालेंगे तो तुलसी जी हमारी जो है मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप लोग जो है मंगलवार को तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, पत्तियां वगैरह मंगलवार के दिन ना तोड़े। बुधवार के दिन एकादशी है और हम जो है तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे। दूर से पूजा पाठ आरती धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करते हैं। एकादशी के दिन सिंदूर चंदन आप लोग लगा सकती हैं, लेकिन जल मत डालिएगा। भोग भी आप लोग पूछते हैं, तो जब जल ही नहीं डालना है तो क्या भोग लगाएंगे, आप देख लीजिएगा। आप लोग चाहे तो फल वगैरह सामने रख सकती हैं तुलसी जी के पौधे के पास, किसी भी पात्र में करके। और देखिए कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं ना, और मैं उत्तर भी देती हूँ, लेकिन पता नहीं जाता नहीं है कि क्या, फिर वही कमेंट आता है कि दीदी तुलसी जी के भोग में गुड़ का भोग लगा सकते हैं। जी लगा सकते हैं, गुड़ मिश्री चीनी जो आपको भगवान ने दिया लगा सकते। कई बार बता चुकी हूँ, अगर वो बहन सुनती होंगी तो जान जाएंगी कितनी बार लिख के भेजी, लेकिन जा ही नहीं रहा है। उसके बाद से हम जो है दशमी के दिन बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा, जो लोग नहीं धोते हैं तो कुछ लोग सोमवार के दिन भी धो लेंगे या मंगलवार को। देखिए व्रत में इतना नहीं लेते हैं, मंगलवार के दिन आप लोग बाल धो सकते हैं, और जो नहीं धोते हैं आगे पीछे अपना कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद से हम बिना लहसुन प्याज वाला, तो ऐसे ही भोजन सावन में नहीं बन रहा है तो उसका तो चिंता ही नहीं करना है। लेकिन जो लोग खा रहे हैं शुद्ध सात्विक भोजन हमें मतलब करनी है, खानी है, बैगन मूली वगैरह खाकर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप जो है चावल खा सकते हैं दशमी के दिन, जो नहीं खाते हैं अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और आप सूर्यास्त के बाद भी खा सकते हैं, जो सूर्यास्त के पहले ही खाकर व्रत का नियम ले लेते हैं तो अपना ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, हमारे घर में भी बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन हम लोग सूर्यास्त के बाद भी जैसे खाते हैं।
ये क्लियर हो गया तो आप देख लीजिएगा, चावल वगैरह रात में मत खाइएगा, दिन में दशमी के दिन आप लोग खा सकते हैं, लौकी की सब्जी वगैरह और सरसों तेल भी आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं। बहुत सारी बहनें कंफ्यूज रहती हैं, तो नहीं, दशमी के दिन आपको खानी है, केवल लहसुन प्याज बचाया जाता है। अगले दिन जो है हम व्रत रखेंगे, तो ये व्रत जो है फलाहारी होता है, एकादशी का जो व्रत है फलाहारी होता है। आप लोग अपना श्रृंगार वगैरह सब कर सकती हैं, जो भी व्रत महिलाएं रखी हैं। व्रत में जैसे हम फल का भोग भी लगाएंगे, मंदिर भी आप चाहें तो जा सकते हैं, आप नदी सरोवर आसपास है तो स्नान के लिए भी जा सकते हैं, और यही सब कार्य हम करते हैं एकादशी के दिन। उसके बाद से विष्णु भगवान की हम विधि विधान से पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा, खाया पिया हुआ नहीं, एक दिन पहले ही साड़ी वगैरह धो लेनी चाहिए, कोई पीली साड़ी है तो उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और तब जाके हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके, और तब हम कुछ भी मतलब भोजन भोजन तो नहीं बोलेंगे, फलाहार वगैरह करते हैं। और एकादशी व्रत में सोनी नहीं चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मत सोइएगा, सोना है तो तुलसी पत्र पक्का अपने जेब में कपड़े में कहीं बांध कर रख कर तभी आपको सोनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम एकादशी का पूरे दिन व्रत रखेंगे। व्रत में आप चाहें तो टोटल आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है, आप चाहें तो कुछ दान भी कर सकते हैं, ठीक है। एकादशी व्रत में जैसे साड़ी कपड़ा बर्तन अन्य का दान नहीं किया जाता, अनाज का फल फ्रूट का दान कर सकते हैं। उसके बाद से रात में फिर विष्णु भगवान की पूजा पाठ हम करते हैं, और करने के बाद आरती वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, और अगले दिन हम पारण करते हैं, मतलब द्वादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन पारण से पहले फिर से स्नान ध्यान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सूर्य देव को जल देकर, मंदिर में पूजा करके, और तब हमें जो है व्रत खोलनी है। और आप लोग एकदम एक साफ दातुन मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं मिलता है तो एक नया ब्रश हमेशा जो एकादशी का व्रत करते हैं अपने लिए जरूर रखिएगा, ठीक है। मुख में उंगली से भी कर लीजिए, कुछ लोग ब्रश दातुन नहीं करते आप देख लीजिएगा, लेकिन नया ही डालें, जूठा ब्रश, ऐसा नहीं कि एकादशी बीत गया द्वादशी में ब्रश कर लिए तो सही नहीं है, लहसुन प्याज वाला ब्रश मत डालिएगा मुख में। और उसके बाद से हम भगवान की विधि विधान से पूजा करके, भोजन बन गया है तो भोजन का भोग भी लगा सकते हैं, अगर शुद्ध रूप से आप बनाए हैं तो शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, और अगर नहीं बना है, मान लीजिए आप अकेली हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी ये व्रत रखते हैं नहीं बना पाए हैं, तो आप गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से भोजन में जो है हम घी का बना हुआ भोजन करते हैं, और पारण हमें गुरुवार को करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गुरुवार का व्रत भी करते हैं, तो अगर संख्या में आप लोग व्रत रखती हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मीठा भोजन शाम को कर सकती हैं, और तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालकर अपना पारण कर लीजिए, पूजा पाठ करके जो गुरुवार के नियम विधि है उसका पारण आप लोग कर लीजिएगा। एक समय ही भोजन करनी है, जब भी कीजिए, दोपहर में कर लीजिए या आप शाम को कीजिए, लेकिन एक ही समय भोजन द्वादशी में किया जाता है जो गुरुवार का व्रत रखेंगे। और नहीं तो अगर संख्या में नहीं रखें तो स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर दो दो व्रत बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं, और जो रख पाते हैं वो अपना देख लेंगे। विष्णु भगवान का पूजा पाठ गुरुवार के दिन करके और गंगा जल से अपना व्रत खोल लीजिएगा, तुलसी पत्र से पारण हो जाएगा। और जो लोग ये सब मतलब गुरुवार का व्रत नहीं कर रहे हैं वो जो है अपना दान करेंगे, सभी को दान करना है, अनाज का दान अन्न का दान उस दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन आटे का, सिंदूर का, आलू का, दाल का, हल्दी का, ये सब दान किया जाता है। कुछ नहीं करना है, कहीं जगह नहीं है तो पैसे का दान कर दीजिए, हर चीज के नाम से संकल्प करके, और आचमन कर दिया जाता है, दो बार तीन बार घुमा दीजिएगा विष्णु भगवान के नाम से, हर चीज को छूकर, वो पैसा हो या वो अनाज हो। ये हो गया। उसके बाद से हम जो भी भोजन वगैरह बनाए हैं वो बैठकर एक जगह खा लेते हैं, और खाने के बाद एक समय ही भोजन करते हैं, उसके बाद शाम को डायरेक्ट आप जो है आप लोग खा सकती हैं, लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है, लेकिन सरसों तेल वगैरह शाम से खा सकती हैं। और द्वादशी के दिन घी का बना हुआ या मूंगफली तेल का बना हुआ ही भोजन हमें करनी चाहिए, सूर्यमुखी का भी मिल जाए तो आप लोग उसी में भोजन बनाइएगा। मान लीजिए जिनको घी नहीं मिल पाता है तो आप यही, बाकी सब रिफाइंड ऑयल मत लीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है,
कब समाप्त हो रही है, पारण का सुमुहूर्त कब है। ये तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई को शाम 4:44 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 31 जुलाई को शाम 3:55 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई दिन बुधवार को हम कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, पारण का शुभ मुहूर्त है 1 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से लेकर 8:24 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।